लास्ट आप लोग को मटेरियल नाउन पढ़ा रहे थे, कौन सा मटेरियल नाउन? मटेरियल नाउन में कुछ लिखाए होंगे? चलो ध्यान दो, लास्ट पार्ट हम लोग सीख रहे थे मटेरियल नाउन का, ठीक है। मटेरियल नाउन था वैसे नाउन जिसे हम सिंपली वे में कहा जाए, मटेरियल नाउन वैसा नाउन जिसे हम गिन नहीं सकते हैं, जिसे हम काउंट नहीं कर सकते हैं, केवल नाप या तौल सकते हैं। क्लियर हो गया यहाँ तक? उसी को हम मटेरियल नाउन की संज्ञा में रखेंगे। अगला पार्ट हमारा था उसी में एक ड्रेक्स ला सिस्टम बताना चाह रहे थे, ड्रेक्स के बारे में। अदाया इसी के बारे में आपको हम कहानी सुना रहे थे, ड्रेक्स के बारे में, मतलब अपशिष्ट पदार्थ को हम ड्रेक्स कहते हैं। लिखिए इसका नोट, एक लिख लीजिए। ड्रेक्स का हिंदी क्या आएगा? अपशिष्ट पदार्थ होगा। ड्रेक्स मतलब अपशिष्ट पदार्थ होगा। लिखिए ड्रेक्स एकमात्र मटेरियल नाउन, लिखो ड्रेक्स एकमात्र मटेरियल नाउन जो प्लुरल का काम करता है, ड्रेक्स एकमात्र मटेरियल नाउन जो प्लुरल का काम करता है, ड्रेक्स एकमात्र मटेरियल नाउन जो प्लुरल का काम करता है, ड्रेक्स एकमात्र मटेरियल नाउन जो प्लुरल का काम करता है, ड्रेक्स एकमात्र मटेरियल नाउन जो प्लुरल का काम करता है। क्लियर हो गया? ड्रेक्स एकमात्र मटेरियल नाउन जैसे हम यूज करेंगे, जैसे देखेंगे, ड्रेक्स इज लाइंग, एसाइड द रोड, हो गया। या फिर हम यूज करेंगे दिस पीपल आर रिगार्डेड एज द ड्रेक्स ऑफ सोसाइटी। देखिए दो प्रश्न हमने लिखा, पहला प्रश्न लिखा गया ड्रेक्स इज लाइंग एसाइड द रोड, कूड़ा करकट जो है रोड किनारे पड़ा हुआ है, अपशिष्ट पदार्थ रोड किनारे पड़ा हुआ है। तो यहां जो हम यूज करेंगे ड्रेक्स हमारा सिंगुलर काम करेगा या प्लुरल? तो आंसर हमें बनाना पड़ेगा ड्रेक्स आर lying aside the road, हो जाएगा कूड़ा करकट जो है रोड किनारे पड़ा हुआ है। दिस पीपल आर रिगार्डेड एज द ड्रेक्स ऑफ सोसाइटी, ये लोग जो आपको दिख रहे हैं समाज के बेकार हिस्से, इन लोगों को समाज के बेकार हिस्सा माना गया। दिस पीपल आर रिगार्डेड एज द ड्रेक्स ऑफ सोसाइटी, यहाँ द ड्रेक्स बिल्कुल सही है, लिख लो। लिखो ड्रेक्स आर लाइंग एसाइड द रोड होगा, अपशिष्ट पदार्थ रोड के किनारे पड़ा हुआ, अपशिष्ट पदार्थ रोड के किनारे पड़ा हुआ। दिस पीपल आर रिगार्डेड एज द
दिस पीपल आर रिगार्डेड एज द ड्रेक्स ऑफ सोसाइटी। चलिए हेडिंग चेंज करिए, लास्ट वाला एब्स्ट्रैक्ट नाउन। लास्ट लिखेंगे एब्स्ट्रैक्ट नाउन। एब्स्ट्रैक्ट नाउन किसे कहेंगे? जिसे हम अनुभव कर सकते हैं, जिसे हम केवल अनुभव कर सकते हैं, एब्स्ट्रैक्ट नाउन कहलाएगा। जिसे हम सिर्फ अनुभव कर सकते हैं, फीलिंग्स कर सकते हैं, उससे हमें एब्स्ट्रैक्ट नाउन कहलाएगा। जैसे बोलिए ऑनेस्टी, ऑनेस्टी, ब्रदरहुड, ब्रदरहुड होगा, लव भी होगा आपका। ये सब किस ग्रुप में आएगा? किस में? एब्स्ट्रैक्ट नाउन में आएगा, माने वैसा नाउन जिसे हम केवल और केवल हम एहसास कर सकते हैं, फीलिंग कर सकते हैं, वही हमारा एब्स्ट्रैक्ट नाउन आएगा। इसकी यदि फैक्ट हम बात करेंगे तो ये हमेशा अनकाउंटेबल होते हैं, ये हमेशा अनकाउंटेबल होते हैं। दूसरी बात किया जाए तो एब्स्ट्रैक्ट नाउन के पहले हम किसी भी आर्टिकल्स का प्रयोग, किसी भी आर्टिकल्स का प्रयोग हम नहीं करेंगे। गलती लिखे हो गया ए एंड द, किसी भी आर्टिकल्स का प्रयोग हम नहीं कर सकते हैं, कभी नहीं कर सकते हैं। लिखिए वह नाउन जिसे सिर्फ महसूस किया जाए, वह नाउन जिसे सिर्फ महसूस किया जा सके, वह नाउन जिसे सिर्फ महसूस किया जा सके, एब्स्ट्रैक्ट नाउन कहलाता है। 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 जैसे ऑनेस्टी, ब्रदरहुड, लव, क्या ईमानदारी को आप पकड़ सकते हैं? दिखाई देगा किसी में कि वो ईमानदार है? नहीं दिखाई दे सकता। हैप्पी एडजेक्टिव हो गया ना आपका, हैप्पीनेस भले बोलेंगे आप, नाउन बोलना पड़ेगा, नाउन बोलना होगा। हैप्पी हमारा एडजेक्टिव है, नाउन बोलना, हैप्पीनेस आपका भले आएगा। हो गया, लिखिए फैक्ट नंबर वन। पहला, पहला एब्स्ट्रैक्ट नाउन, फर्स्ट नंबर एब्स्ट्रैक्ट नाउन, एब्स्ट्रैक्ट नाउन हमेशा अनकाउंटेबल की भांति प्रयोग होते हैं। एब्स्ट्रैक्ट नाउन हमेशा अनकाउंटेबल की भांति प्रयोग होते हैं, हमेशा अनकाउंटेबल का काम करता है। एब्स्ट्रैक्ट नाउन हमेशा अनकाउंटेबल का काम करता है। एब्स्ट्रैक्ट नाउन हमेशा अनकाउंटेबल का काम करता है, हमेशा अनकाउंटेबल का काम करता है। क्लियर? हमेशा अनकाउंटेबल का काम करता है। दूसरा, एब्स्ट्रैक्ट नाउन के पहले, एब्स्ट्रैक्ट नाउन के पहले
किसी भी आर्टिकल्स का प्रयोग नहीं किया था। अब्स्ट्रैक्ट नाउन के पहले किसी भी आर्टिकल्स का प्रयोग नहीं किया था, किसी भी आर्टिकल्स का प्रयोग नहीं किया था, किसी भी आर्टिकल्स का प्रयोग नहीं किया था, किसी भी आर्टिकल्स का प्रयोग नहीं किया था। किसी भी आर्टिकल्स का प्रयोग नहीं किया था, किसी भी आर्टिकल्स का प्रयोग नहीं किया था। जैसे देखिए, लव इज ब्लाइंड, प्यार अंधा होता है। लेकिन ये पहले के जमाने में कहावत था, अब तो साला अकाउंट देख के प्यार करता सर। रियलिटी है, अकाउंट खाली है तो प्यार, अकाउंट है तो प्यार उजाला है ना। अकाउंट में भरल पैसा है तब प्यार अंधा है। लेटेस्ट वर्जन है ये सब। ये लिख दिया ये कहावत, लव इज ब्लाइंड, ऑनेस्टी इज अ ग्रेट क्वालिटी, ग्रेट क्वालिटी। सक्सेस लोगों के पीछे भागता, वही तो हम कहना चाहते हैं कि यदि लव इज ब्लाइंड, प्यार अंधा होता है, तो बेचारे अंधे लोगों का प्रेम नसीब नहीं होता, वैसे डनक के मरता है इन्होंने। लव इज ब्लाइंड, ऑनेस्टी इज अ ग्रेट क्वालिटी। तीसरा क्वेश्चन, या ऑनेस्टी इज द बेस्ट पॉलिसी भी आप लोग जानते होंगे। ऑनेस्टी इज द बेस्ट पॉलिसी, सॉरी बेस्ट पॉलिसी। ब्रदरहुड इज द ग्रेट क्वालिटी भी हम लगा सकते हैं, भाईचारा सबसे बेहतर क्वालिटी लिख लो। लिखो, नाउन खत्म हो गया आप लोग का। नाउन खत्म, द एंड हो गया। लेकिन नहीं नहीं प्रोनाउन अभी कैसे चालू होगा? अभी नाउन वो खत्म हुआ है जो हमारे एग्जाम से भी कोसों दूर है। अब हम लोग का मेन नाउन स्टार्ट होगा, सम इम्पोर्टेंट रूल्स ऑफ नाउन। ये तो हल्का हल्का था, अभी आपसे क्लास आपका मिस नहीं होनी चाहिए, ध्यान रखिएगा। ऑनेस्टी इज द बेस्ट पॉलिसी, ऑनेस्टी इज द ग्रेट क्वालिटी, लव इज ब्लाइंड। लिख लिया, खत्म। बेसिक स्टेप तो हम लोग का था, कुछ कुछ हम लोग का सब खत्म हो गया। सम इम्पोर्टेंट रूल्स ऑफ नाउन। अब यहां से हम लोग को सीखने के लिए आएगा, ठीक है? यहां से क्लास मिस होगा तो आपकी जिम्मेवारी। यहां से के बाद अब एंट्री भी हम नहीं लेते हैं क्लास में, नहीं सोमवार मंगल तक एंट्री जिनको लेना है ले लेगा, फिर बाद में फिर फिक्स आप लोग हो जाएगा। उसके बाद 14 महीना फिक्स, 14 महीने ना, 8 महीना ने, बट पावर तो इसमें है नहीं, क्योंकि गर्मी का टाइम आएगा तो बट पावर किसी और बैच में चलेगा। सम इम्पोर्टेंट रूल्स ऑफ नाउन ध्यान रखिएगा। हमने पीछे आपको नाउन पढ़ाए तो टाइप्स ऑफ नाउन में 5 प्रकार के पढ़ाए गए, अलग अलग टाइप्स करके। इसमें एक था प्रॉपर नाउन, क्वेश्चंस कुछ दिए थे उसमें बहुत सारा सिखाने को मिला हमें। कॉमन नाउन सिखाए, कॉमन नाउन तो कुछ पढ़ाए भी नहीं किए, जेरी में नहीं पढ़ाए होंगे, है ना? अब हम लोग सारा चीज इसमें सीखना पड़ेगा, कॉमन नाउन्स का सारा पार्ट हमें विशेष सीखना पड़ेगा। कलेक्टिव नाउन थोड़ा लंबा चला, जनरलाइजिंग कलेक्टिव नाउन, ग्रुप कलेक्टिव नाउन, और अगला डिस्ट्रीब्यूटिव कलेक्टिव नाउन, और चौथा पांचवा तो कुछ रहा ही नहीं, मटेरियल और एक एब्स्ट्रैक्ट नाउन। ध्यान रखिएगा, अब हम लोग की क्लास नहीं छूटनी चाहिए, इतना आप ध्यान रखिएगा। सम इम्पोर्टेंट रूल्स ऑफ नाउन में आएगा, सबसे पहला नियम आएगा इसमें
कि कुछ ऐसे नाउन होते हैं जो हमेशा 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 पेयर में होते हैं, हमेशा जोड़ा में होता है। अब दिमाग लगाइए, ऐसा कौन कौन सा नाउन है जो हमेशा जोड़ा में होता है? सीजर्स आएगा, वर्नाकुलर्स आएगा, है ना, ग्लव्स आएगा, ग्लासेस आएगा, शूज आएगा, सॉक्स आएगा, ये सभी जींस आएगा, पैजामा आएगा, ट्राउजर्स आएगा, ये सारे के सारे हमेशा पेयर में आएगा। ठीक है, तो कुछ ऐसे नाउन आएगा जो हमेशा 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 पेयर में होते हैं। ठीक है, जैसे देखिए हम पहले समझा देते हैं। वर्नाकुलर्स का नाम सुनोगे? नहीं सुने तो हम सारा सुनाते हैं आपको। वर्नाकुलर्स में होता है दूरबीन, दूरबीन एक के दो तो नहीं आएगा, वर्नाकुलर्स आएगा, है ना। स्पेक्टेकल्स का नाम सुनोगे? मतलब चश्मा, चश्मा। ग्लासेस का नाम सुनोगे? चश्मा कहीं सानो देता है, तब तो सन ग्लासेस भी नाम सुनोगे। सन ग्लासेस मतलब धूप वाला चश्मा जो होता है सन ग्लासेस का लगेगा, सन ग्लासेस, ग्लासेस, सन ग्लासेस, स्पेक्टेकल्स, गोगल्स भी आता है, नहीं आता है, गोगल्स भी हमारा चश्मा ही आता है, गोगल्स चश्मा ही आता है, सन ग्लासेस भी आता है, ग्लासेस भी आता है, गोगल्स भी आएगा। अब हम लोग आते हैं तो आएगा नीचे आएगा तो शूज आएगा, शूज, सॉक्स भी आता है, नहीं आएगा, बूट्स भी आएगा, बूट्स भी आएगा, गलती लिखा रहा, बूट्स आएगा, बोलते हैं बूट्स, लिखाते हैं कुछ और। जींस भी आएगा, तब तो पैंट्स भी आएगा, नहीं आएगा, ट्राउजर्स भी आएगा, ट्राउजर्स जिसको पैजामा कहते हैं, पैजामा, बोल चाल में पैजामा भी अंग्रेजी वर्ड बन गया, ऐसे ट्राउजर्स का हिंदी हम लोग का पैजामा बोलते हैं, लेकिन बोल चाल में पैजामा, पैजामा भी प्रचलित हो गया। बोलो, पैंट्स तो ठीक है हुआ, जूता तो नहीं लिखे हैं, शूज लिखा ले जाए, स्लीपर्स बोलिए, स्लीपर्स, चप्पल्स, शीजर्स आएगा, लेगीज भी होता है, नहीं आएगा, कनबाली भी आएगा, नहीं सुना, कनबाली नहीं आएगा, एक ही कान में पहनेगा, स्लीपर्स, सीजर्स, बड़ा देर से को सीजर्स, सीजर्स नहीं आएगा, कैची, दोनों एक के बिना एक काम नहीं चले, एक को हका, एक को हटा देंगे तो भोंकने वाला हो जाएगा, पूरी छाने वाला ट्वीजर्स, जलेबी छाने वाला ट्वीजर्स नहीं आता है, पिलास भी आता है, नहीं आएगा, पिलास, ट्वीजर्स, सीजर्स, लेगीज, इयररिंग्स, और बोलो चूड़ी कैसे, कहाँ जोड़ा में रहता हूँ, है ना। देखिए सिंपल बात समझे, पहले बात समझिए क्या हम सिखाना, पहले बात समझिए आप क्या हम कहना चाह रहे हैं। वैसे नाउन आएगा जो हमेशा पेयर में रहेगा, एक के बिना एक उसका अर्थ ही नहीं निकलेगा उसमें, बात समझे, एक के बिना एक व्यर्थ है, एक के बिना एक व्यर्थ है। जैसे हम बात करेंगे ट्वीजर्स का, ट्वीजर्स जलेबी छानते हुए देखे हैं, चिमटा, चिमटा, तो एक को हटा देंगे तो पतला हो जाएगा, वो स्केल, स्केल की तरह काम करना शुरू करेगा, नहीं होगा, तो एक के बिना एक को काम ही नहीं करेगा फिर। कैची, एक को हटा दो, खत्म हो गया। ठीक उसी प्रकार से आइए आप सीजर्स, पिलास भी वही काम है, एक को हटाइए एक अगला कुछ काम ही नहीं करेगा। कनवाली, एक को हटा दीजिए तो एक को कोई पहन के निकलेगा, फैशन है, अल बला फैशन हो जाएगा, हाँ ये भी हो ही जाएगा, तो उसमें तो आने वाला समय वो कन्नो काट देगा, फैशन हो जाएगा, फैशन है तो फैशन कान कट जाएगा,
काट लो, लेगीज, लेगीज समझ रहा ना, स्लीप, लेगीज लड़कियों के लिए, स्लीपर्स, स्लीपर्स चप्पल एक पैर के लिए, ये वो खरीदेंगे कभी, ऐसा तो नहीं होगा, दोनों पैर के लिए है ना, हमेशा रहेगा पैर में, एक के बिना एक बेकार है, पैजामा भी समझ रहे हैं, एक के टांग के लिए, दोनों भले उसको आप कटा दीजिए अलग बात है, लेकिन आपको दोनों रहना चाहिए। ट्राउजर्स, पैंट्स, जीन्स, बूट्स, बूट्स थोड़ा जूता थोड़ा उठा नहीं रहता है वो बूट्स होते हैं, सॉक्स, स्लीपर, सॉक्स, मोजा, तो मोजा एक ही पैर के लिए, आप इस्तेमाल एक करिए तो आप बाद में हो गया, लेकिन आप हमेशा उसको पैर में देखते होंगे, तो हमारा इसमें सॉक्स, शूज, जूता, गॉगल्स, ग्लासेस, सन ग्लासेस, स्पेक्टेकल्स, बायनोकुलर, से चश्मा हो गया, ये समय से हमेशा जोड़ा में आएगा। कोई दिक्कत यहां तक किसी को? ग्लव्स भी आएगा, हाँ ग्लव्स भी आएगा, ग्लव्स भी आएगा, दस्ताना बोलो, हाँ देखो पैंडल्स होगा, पैंडल जो हम लोग साइकिल में चलाते हैं हमेशा पेयर में रहता है हमेशा, लेकिन वो क्या काम करता है, मेरा क्या सिस्टम हो, चलिए पैंडल्स होगा, लेकिन आप लोग ध्यान रखिएगा जब आप स्टार्टिंग में साइकिल चलाना सीखेंगे तो हाफ पैंडल मारते होंगे ऐसे चढ़ के, नहीं पहले बुलाना सीखते हैं धीरे धीरे, यहां से वहां, बाहर से अंदर और फिर अंदर से, वैसे कभी कभी गिर जाता था अपने ऊपर, फिर उसको उठा वो फिर गिरा, तब फिर हाफ पैंडल चलाना सीखा, तब धीरे धीरे ऊपर चढ़ता था तो हाफे पैंडल मारते थे, फिर फुल पैंडल, दोस्त जो सिखाने रहेगा वो हमेशा कहेगा अरे आगे देखो फुल पैंडल मार के रेंगा दो, वो सिखाता नहीं था, चढ़ा के ऐसा ढकेल देता था, मैंने ऐसे चढ़ाया कस के ढकेलता था, उसका कहना रहता था दोस्त यार के कि जब तक कटे छटेगा जब तक नहीं सीखेगा जब तक चोट नहीं लगेगा तब तक सीखबे नहीं करेगा, तो सीखने वाला को भी लगता था कि नहीं लगता गिरना जरूरी है बात सही है ना, चलिए बाकी आप दिमाग लगाएंगे, जो कुछ आएगा सब इसमें आएगा, सारा कुछ सब में आएगा, जो भी आपको मन में लगे सब आएगा, पेयर में रहना एक के बिना एक काम नहीं चले, इतना ध्यान रखना तुम लोग, बोलो, हाँ आएगा आएगा आएगा, पैड तो ऐवे करेगा, पैड आएगा, सैंडल भी तो आएगा, नहीं आएगा हील्स भी तो आएगा, नहीं आएगा हील्स, ऐसा तो नहीं कि एक के पाँव में पहन के चलेगा, दोनों में आएगा, तो आप सिंपल दिमाग लगाइए कि जितना भी आपको नजर में दिख रहा है कि एक के बिना एक काम नहीं चलेगा तो सब रहेगा, और कोई दिक्कत? हाथकड़ी, देखिए हाथकड़ी में क्या होता है ना, कभी एक ही एक हाथ में भी लग जाता है, कभी दोनों हाथ में भी लगता है, तो वो इस ग्रुप में नहीं आएगा। अगला पार्ट इसका दो पार्ट, दूसरा पार्ट स्टार्ट कर रहे हैं, रुको दूसरा पार्ट में आप लोग थोड़ा पेशेंस रखना, दूसरा पार्ट में आप बताइए कि ऐसा शरीर का ऐसा कौन सा अंग है जो हमेशा पेयर में है, परंतु आज फिर से, शरीर का ऐसा कौन सा अंग है जो हमेशा पेयर में है परंतु एक के बिना एक काम ना चले, हाथ, ये को हाथ नहीं है, काम चल रहा है ना, अब ये दिमाग लगाए कि शरीर का ऐसा कौन सा अंग है जो हमेशा पैर में है, एक के बिना एक काम ना चले, गलत नहीं सोचना, पैर एक के बिना एक काम नहीं चलेगा, एक के बिना एक काम ना चले, बताइए, तो ओठ, एगो ओठ नहीं रहेगा तो नहीं काम चलेगा, चलिए हम बताते हैं, वैसा अंग जो एक के बिना एक काम ना चले, तो हाथ इसमें नहीं आएगा, पांव इसमें नहीं आएगा, ना ही कान आएगा, ना आंख आएगा, एगो नहीं रहेगा तो नहीं काम चलेगा आराम से काम चलेगा
नाक एक के को है, दो गो नहीं है, नाक दो नहीं, नाक एक है, एक कैविटी दो है। आप साइंस पढ़े होंगे, कैविटी दो है, जो ये दीवार है जिसको हम कहते हैं साइटस कहते हैं, ये दीवार है जिसको साइटस कहते हैं। तो हम लोग को नाक में दोनों नाक से दोनों कैविटी से हम लोग श्वास नहीं लेते हैं, एगो से 12 घंटा में बदल जाता है रास्ता, एगो काम करता फिर अगला काम करता। अब शरीर का वैसा अंग लिखेंगे, लंग्स का नाम सर, लंग्स, फेफड़ा, फेफड़ा हमेशा 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 प्लूरल फॉर्म में रहेगा। लंग्स का नाम सुनोगे, एक होता है इंटेस्टाइन होता है, इंटेस्टाइन्स का नाम सुने, आंत जिसे कहते हैं छोटी आरायत, एक को हटा देंगे तो एक काम करेगा, छोटी आतर, हमेशा पेयर में होता है लेकिन हमेशा हमेशा एक के बिना एक काम नहीं चलेगा। लंग्स एक इंटेस्टाइन्स, इंटेस्टाइन्स का साइनो कभी कभी एग्जामिनर पूछते रहता है, इंट्रेल्स आता है या वॉवेल्स आता है, हाँ एग्जामिनर थोड़ा टेढ़ा पूछता है, फिर समझिए। हमारे शरीर का दो ही ऐसे अंग है जो हमेशा आपको पेयर में दिखाई देगा, दो अंग, लंग्स फेफड़ा और इंटेस्टाइन्स, बस समझा गया, ये हमेशा एक के बिना एक काम। हमारे शरीर में किडनी भी दो होता है लेकिन एक के बिना एक काम चलता। अभी अभी ताजा उदाहरण, लालू प्रसाद यादव, रोहिणी आचार्य है ना, अपना किडनी दान दे दी, अपना किडनी दान दे, और आज के लड़कियां होते हैं कि पिता के किडनी लेके भाग जाता, घर छोड़ के भागना किडनी के बराबर है, वो गलती बोल दिया, सही है किडनी एक बराबर है, ये है पापा की परी है, परी है तवे तो उड़ गई। चलो लंग्स इंटेस्टाइन्स इंट्रेल्स बॉवेल्स, समझा गया। तो शरीर का ऐसे कौन सा अंग होगा जो हमेशा पेयर में रहेगा, जो एक के बिना एक काम नहीं चलेगा, इसमें से तीन दो पार्ट्स आएगा, एक लंग्स आएगा और एक इसी का साइनो हुआ, इसी का साइन हुआ आत, जो तो छोटी आत और बड़ी आत, आत में ही हम लोग का भोजन पाचन क्रिया होता है, HCl होता है, हाइड्रोक्लोरिक अम्ल होता है, हाइड्रोक्लोरिक अम्ल होता है जो पचाने का काम करता है। तो ये दो पार्ट हमें सीखना पड़ेगा कि कुछ ऐसे नाम होते हैं जो हमेशा पेयर में होते हैं, जो हमेशा प्लूरल फॉर्म में यूज किए जाते हैं। लिखिए हेडिंग बनाइए, सम रूल्स ऑफ, सम इम्पोर्टेंट रूल्स ऑफ नाउन का पहला रूल, नंबर पहला रोल नंबर पहला, कुछ ऐसे नाउन, कुछ ऐसे नाउन, कुछ ऐसे नाउन जो हमेशा पेयर में प्रयोग होते हैं, जो हमेशा पेयर मैंने जोड़ा PAIR, कुछ ऐसे नाउन जो हमेशा पेयर में प्रयोग होते हैं, जो हमेशा पेयर मैंने जोड़ा, जो हमेशा पेयर में प्रयोग होते हैं, लिख लिया दोस्त, नोट लिख लेंगे, नहीं उसने नोट लास्ट में लिखाएंगे, पहले इसको छापिए, पहले इसको बनाइए, किसी का हिंदी की जरूरत हमको नहीं लगता कि पड़ेगा आपको, क्योंकि आपको जाना पहचाना सारा वर्ड से, कुछ कुछ का हिंदी पता चलना तो बता देंगे। बायनाकुलर्स में दूरबीन होते हैं, स्पेक्टेकल्स में चश्मा थी दूरबीन होता है, स्पेक्टेकल्स में चश्मा, ग्लासेस में भी चश्मा, सनग्लासेस में धूप चश्मा, पहले आप लिख लीजिए फिर हम आपको रिपीट कर देंगे। हिल्स का प्रचलन लगता है धीरे धीरे कम हुआ ने, और बढ़ गया, हिल मैंने पहाड़ भी होता नहीं होता है, हमारा कहना है जो ज्यादा हिल वाला पहनता है वो पहाड़े पर बैठल रहे रात दिन। बायनाकुलर्स, स्पेक्टेकल्स, ग्लासेस, सनग्लासेस,
हो गया। किसी का हिंदी बोलो। नहीं, लेगीज मैंने पैजामे लिखो ना, लेगीज मैंने लेगीजे लिखो। बोलो। बूट्स मैंने जूता, बूट्स मैंने जो होता है ना ऊपर जो उठा हुआ, खासकर सिपाही लोग ज्यादा पसंद करते हैं उसे, बूट्स को। नेक्स्ट आइए, लिखिए, नोट लिख लो। नोट करके लिखेंगे। ऐसे नाउन को गिनती की संख्या में दर्शाने के लिए, ऐसे नाउन को गिनती की संख्या में दर्शाने के लिए पेयर ऑफ का प्रयोग किया था। ऐसे नाउन को गिनती की संख्या में दर्शाने के लिए, ऐसे नाउन को गिनती की संख्या में दर्शाने के लिए, ऐसे नाउन को गिनती की संख्या में दर्शाने के लिए किसका प्रयोग? पेयर ऑफ का प्रयोग किया था। पेयर ऑफ का प्रयोग किया था। ऐसे नाउन को गिनती की संख्या में दर्शाने के लिए पेयर ऑफ का प्रयोग किया था। पेयर ऑफ का प्रयोग किया था। ऐसे नाउन को गिनती की संख्या में दर्शाने के लिए पेयर ऑफ का प्रयोग किया था। तो दिक्कत इसमें। अब हम लोग एग्जाम्पल देखते हैं। ध्यान रखिएगा। माई फादर गेव मी अ पेयर ऑफ वर्नाकुलर ऑन माई बर्थडे। बताइए क्या दिक्कत है सर? माई फादर गेव मी अ पेयर ऑफ वर्नाकुलर ऑन माई बर्थडे। बोलिए कहाँ गलतियां इसमें? सही है तो सही हो जाएगा। सही है, बताइए कहाँ गलती है? माई फादर गेव मी अ पेयर ऑफ वर्नाकुलर ऑन माई बर्थडे। हमेशा ध्यान रखिएगा, पेयर वाले जितने भी अभी आपको नाउन लिखाया गया, वर्नाकुलर हो, चाहे सीसर हो, चाहे स्पेक्टेकल हो, चाहे ग्लास हो, सब में हमेशा हमेशा हमें पेयर मतलब कितना, तो दो मतलब सिंगुलर या प्लुरल, यानी हमेशा यस यस लगा रहेगा, कभी हटा नहीं सकते आप। क्या आंसर बनाएंगे इसमें हम? माई फादर गेव मी अ पेयर ऑफ बाइनोकुलर्स हो जाएगा ऑन माई बर्थडे। बना लो। हो गया। अ पेयर ऑफ सीजर्स और लाइंग ऑन द टेबल, लाइंग ऑन द टेबल। अ पेयर ऑफ सीजर्स आर लाइंग ऑन द टेबल।
बताइए इसमें, इसके जगह आर होगा, आर तो लिखा हुआ है ना। देखिए अ पेयर ऑफ सीजर्स, बात समझिए पहले, अ पेयर ऑफ यदि हम लगाते हैं तो ये कंफर्म है कि सीजर नहीं सीजर्स ही रहेगा, चाहे आप ये पेयर ऑफ लगाए तो टू पेयर्स लगाइए, कोई मतलब इस पे हमेशा यस लगा रहेगा। लेकिन यहाँ पेयर ऑफ से मतलब हुआ कितने जोड़ा, जब एक जोड़ा है तो आर कैसे आएगा, इज नहीं आएगा। यदि आप आर सही करना चाहते तो लिखना पड़ेगा क्या चीज, टू पेयर या टू पेयर्स, टू पेयर्स ऑफ सीजर्स आर हो जाएगा, आर लाइंग ऑन द टेबल, उसको सुधार लेंगे इच आर के स्थान पर इच करके, टू पेयर्स कर लेंगे तो हमारा कंफर्म है कि इज नहीं, फिर आर हो जाएगा हमारा, टू पेयर्स ऑफ सीजर्स आर लाइंग ऑन द टेबल, टेबल पर पड़ा हुआ है। लिख लिया, इसके बहुत सारे क्वेश्चन आएगा प्रीवियस ईयर का, आप क्योंकि इंपॉर्टेंट क्वेश्चन रूल जब चल रहा तो रूल जब चल रहा तो रूल का प्रीवियस ईयर का क्वेश्चन खूब मिलेगा आपका, अगले क्लास इसका सारा कराएंगे आपको, सब इंपॉर्टेंट रूल्स का जो और भी एग्जांपल इसका आएगा प्रीवियस ईयर क्वेश्चन का अगले क्लास यानी मंडे को। और आप लोग का जितना दिन डेमो हुआ आप लोग डेमो ले लिए, मंडे से कार्ड अपना अपना लेकर आएंगे, क्योंकि सब इम्पोर्टेंट रूल्स अपना ऑन। और जिसका क्लास अब तक छूटा कोई दिक्कत नहीं है, आपसे नहीं छूटना चाहिए ये ध्यान रखिएगा। कार्ड अब कंटिन्यू लाएंगे आप लोग, कंटिन्यू कार्ड अपना अपना ले